मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। आपको भी अगर रखना, मेरे एक मित्र ने एक रिटायर्ड 35 साल के सेना के अफसर को अपने यहां सिक्योरिटी पर रखा, खुद के पैसे से उसको ड्राइविंग सिखाई। बोले यार मिनके ऐसा क्यों? बोले घर में मिसेस अकेली जाती, बच्चे अकेले जाते हैं तो खोजी है ना, इसलिए डर नहीं। मतलब खोजी एक आत्मविश्वास का नाम, खोजी पे लोगों को विश्वास है। मुझे बहुत दुख। आपका फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूपी लाइव 100 न्यूज और महेश मेल अंसारी। अग्निवीरों को मिलेगा भाजपा कार्यालय में सुरक्षा की नौकरी, बयान पर घिरे कैलाश विजयवाल के, केजरीवाल बोले जवानों को अपमान है। वहीं इस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्विटर कर कहा कि बीजेपी के नेता कैलाश विजयवाल के अग्निपथ योजना को लेकर सभी संसदों को दरकिनार कर दिया गया है। दिल्ली में इसका सत्य ऐसे ही मानसिकता के खिलाफ है। केंद्र सरकार के अग्निवीर योजना को लेकर पक्ष विपक्ष भी तकरार जारी है। अब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने अग्निवीरों को भाजपा कार्यालय में सुरक्षा में तैनात करने की बात कही थी। तो वहीं आम आदमी पार्टी संयुक्त और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता देश के युवाओं और सेना के जवानों का अपमान किया है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में नजर आ रहे हैं कि भाजपा नेता पत्रकारों से कहते हैं कि अगर वो पार्टी कार्यालय में सुरक्षा बनाए रखे जाते तो उनका अग्निवीरों को प्रतिनिधित्व दी जाएगी। तो वहीं भाजपा नेता ने आगे कहा, कहते हैं कि जब एक अग्निवीर को मिलिट्री की ट्रेनिंग की जाए, जब वो 4 साल बाद नौकरी छोड़े तो उन्हें 11 लाख रुपए मिलेंगे। अगर मैं भाजपा कार्यालय की सुरक्षा के लिए नियुक्त करना चाहता हूं, तो मैं अग्निवीरों को प्रतिनिधित्व दूंगा। उनके इस बयान पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि देश के युवाओं और सेना के जवान को इतना अपमान मत करो। हमारे देश के युवा दिन रात मेहनत करके फिजिकल पास करते हैं, टेस्ट पास करते हैं, क्योंकि वो फौजी में जाकर पूरा जीवन देश के सेवा करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वो बीजेपी के दफ्तर के बाहर गार्ड लगाना चाहते हैं। तो वहीं इस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट कर कहा कि बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अग्निपथ योजना को लेकर सभी सियासतों को दरकिनार कर दिया है। पार्टी ने आगे कहा कि दिल्ली में इसका सत्याग्रह ऐसे ही नहीं मानसिकता के खिलाफ। तो वहीं शिवसेना के राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि विजयवर्गीय की टिप्पणी ने वर्दी वालों को महत्व को कम कर दिया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। सेना की ट्रेनिंग में पहला डिसिप्लिन, दूसरा आज्ञा का पालन करना। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र, यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे। और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। आपको भी अगर रखना, मेरे एक मित्र ने एक रिटायर्ड